वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करे और बेल आइकन तो दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तेजस्वी अस्त्रा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, चलो शुरू करते हैं। एक छोटा बच्चा और एक बहुत बड़ा आम का पेड़ रहता था। जब भी उस बच्चे को फुर्सत मिलती, उस पेड़ के पास खेलने चले जाता। और जब भी उसको खेलने के बाद थक जाता, वो फिर उसकी छांव में सो जाता। एक दिन उनके बीच में एक अनोखा रिश्ता हो गया था। एक दिन क्या होया, बच्चा नहीं आया और बहुत दिन बीत गए लेकिन बच्चा नहीं आया। फिर कभी भी नहीं आया। फिर उस तो वही बच्चा उसके पास आते हुए दिखा। फिर पेड़ ने कहा उस बच्चे से, अब तुम आ रहे हो तो चलो हम जीपोटे खेलते हैं। फिर कहता है बच्चा, अब मेरी उम्र नहीं रही है खेलने की, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मेरा स्कूल चल रही है, मैं पढ़ाई में बिजी रहता हूँ, मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं है। फिर आम का पेड़ कहता है, तुम मेरे सारे आम बेच के बाजार में बेच दो। फिर वो बेच देता है। फिर क्या, वो कभी नहीं आता। फिर उसको विश्वास होता है वो आएगा। फिर वो फिर उसको एक जवान आदमी आते हुए उसको दिखता है। फिर वो उसको पहचान लेता है। फिर क्या होता है, वो आम का पेड़ क्या कहता है, अब तुम्हें क्या जरूरत है मेरी। फिर कहता है आदमी वो, अब मेरी शादी हो रही है, मेरे बच्चे हो रहे हैं, मेरी नौकरी लग गई है, इसलिए मेरे पास घर बनाने के पैसे नहीं है। फिर क्या कहता है पेड़, तुम मेरी सारी डालियां ले जाओ और उनको बाजार में बेच दो और अपना घर बना लो। फिर क्या होता है, वो उसकी सारी डालियां तोड़ के बाजार में बेच देता है। फिर वो कभी नहीं आता। फिर वो बुढ़ा हो जाता, पेड़ सूखी लकड़ी हो गई थी वो, उसको कोई देता भी नहीं था। फिर उसको एक बुढ़ा आदमी आते हुए दिखा। फिर पेड़ ने कहा, तो बुढ़े ने कहा पेड़ से, तुमने मुझे पहचाना। फिर पेड़ ने कहा, नहीं मेरे तो तुम्हें नहीं पहचाना। फिर बुढ़ा कहता है, मैं वही बच्चा हूँ जो तुम्हारे पास रोज खेलने आता था। फिर पेड़ कहता है, अब मेरे पास तुम्हें देने की कुछ भी नहीं है। फिर बुढ़ा कहता है, आज मैं कुछ लेने नहीं आया, मुझे बस तुम्हारे साथ जी भर के बस खेलना है। फिर वो पेड़ से लिपट जाता है। हाँ, और फिर अब तो पता है दोस्तों, वो बंजर पेड़ कौन था, हमारे बूढ़े माँ बाप। जैसे ही बड़े होते गए, उनसे दूर होते गए, जब भी जरूरत हुई उनके पास आए। और आपका सही समय अपने लॉकडाउन में सही समय अपने माँ बाप से गले मारने का और उनके पास रहने का और एक जादू की जप्पी देने का। थैंक यू।